गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो चैलेंज वीडियो होने वाला है, बिकॉज मेरे चैनल पे मैं बहुत ही कम चैलेंज वीडियोज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार चैलेंज वीडियोज़ किए जाए। मैंने सोचा है कि मैं सैलड का चैलेंज वीडियो करूँगी, लाइक 24 आवर्स तक जो भी मैं खाऊँगी तो सैलड ही खाने वाली हूँ, मेरी जो भी मील होगी। तो अभी बज गए हैं 10, तो सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो कौन सा सैलड मैं बनाती हूँ चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सैलेड तैयार है, अभी से मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है। वैसे मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड यमी बना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड बहुत ही ज़्यादा यमी है, बना के ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए या जो भी सैलड्स मैं आज बनाऊंगी उनकी रेसिपी चाहिए, मेरा एक और कुकिंग चैनल है कुकिंग शुकिंग विद जया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैं रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ, बहुत ही यमी यमी रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। तो चलिए तब तक अब मैं अपना सैलड जो है वो फिनिश कर लेती हूँ। पीनट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आ रहा है। तो आप चाहें तो पीनट को हल्का सा क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मेरा सैलड ख़त्म हो चुका है एंड पेट बिल्कुल भर चुका है। तो नेक्स्ट जो भी सैलड मैं बनाती हूँ तब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मील पर। तो अभी बज गए हैं 12:30 एंड बीच में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। मैंने सोचा था बीच में मैं फ्रूट सैलड बनाऊँगी, बट बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। जो चना का सैलड मैंने खाया था तो उससे पेट बिल्कुल फुल हो चुका था, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं किया कि मैं कुछ भी खाऊं। तो अभी मुझे लगता है लंच के लिए मुझे कुछ प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तो 12:30 बज गए हैं एंड 1:30 बजे तक मुझे भूख लग जाएगी। तो मैंने सोचा है कि मैं थाई सैलड बनाऊँगी, तो चलिए फटाफट से थाई सैलड बना लेती हूँ मैं। नेक्स्ट मील जो है लंच मैंने तैयार कर लिया है एंड ये सैलड मैंने तैयार किया है, ये थाई राइस नूडल सैलड मैंने तैयार किया है। टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा बना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, चीज़ का और पीनट का जो टेस्ट है, क्रंचीनेस जो आ रहा है पीनट का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड नहीं किया, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं। मेरा सेकेंड मील जो है लंच जो है मैंने फिनिश कर लिया है एंड बहुत ही ज़्यादा यमी सैलड था। तो कुछ चेंज के लिए कभी कभी इस तरीके के सैलड वगैरह खाए जा सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा यू नो जंक फूड वगैरह हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये चैलेंज किया जाए। एंड अभी तक तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, लाइक सुबह वाला चना का जो सैलड था वो भी बहुत ही टेस्टी बना था एंड ये सैलड भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। तो इवनिंग में देखती हूँ मुझे भूख लगती है क्या, बिकॉज अभी तो मेरा पेट एकदम फुल हो चुका है एंड इवनिंग में मैं चाय लेती हूँ, तो चाय तो ज़रूर से लूँगी। उसके साथ देखती हूँ कोई सैलड बनाती हूँ क्या, तो अगर मैं सैलड बनाती हूँ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो मैं डिनर में आपसे मिलती हूँ। इवनिंग एवरीवन, सो अभी बज गए हैं 4:30 एंड चाय का टाइम हो गया एंड मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है।
तो अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय एंड उसके साथ एक सैलेड बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से चाय भी बना लेती हूँ एंड सैलेड भी तैयार कर लेती हूँ। सो हियर इज माई पास्ता सैलड, आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई पास्ता सैलड विद टी। तो ये इवनिंग की टी मैंने बना ली है अपनी। सैलड टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही यमी सैलड बना है, बहुत ही टैंगी सा टेस्ट है बिकॉज इसमें हमने नींबू ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें अनियंस भी ऐड कर सकते हैं, मैंने स्प्रिंग अनियंस ऐड किए थे इसीलिए अनियंस ऐड नहीं किए इसमें। मैं अपनी इवनिंग टी और पास्ता इंजॉय करती हूँ एंड डिनर में मैं कौन सा सैलेड बनाती हूँ उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो वेलकम बैक, रात के 8 बज रहे हैं एंड डिनर का टाइम हो चुका है। मैंने अपना स्किन केयर रूटीन भी कर लिया है तो अब डिनर बनाने की तैयारी है। तो डिनर में अगेन मैं कौन सा सैलेड बनाती हूँ तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। मैं कोई मूवी देखने में बिजी हो गई थी एंड अपना किनवा का सैलेड इंजॉय कर रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो सारे सैलेड की रेसिपी आपको मेरे कुकिंग चैनल पे मिल जाएगी जो कि कुकिंग शुकिंग विद जया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा अगर इस तरीके की वीडियोज़ आपको देखना पसंद है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।